अरे नया नारा निकला है यार, जले को आप कहते हैं, बुझे को राप कहते हैं, जो अपना बूथ हार जाए उसे रघुराज। बोला जले को आप कहते हैं, बुझे को राग कहते हैं, और जो अपना बूथ हार जाए उसे रघुराज कहते हैं। जले को आप कहते हैं, बुझे को राग कहते हैं, और जो अपना बूथ हार जाए उसे रघुराज कहते हैं। माहौल सियासत को मजबूत करता है तो संदेशों से सियासत परवान चढ़ती है। योगी के उत्तर प्रदेश में बीजेपी का रथ उपचुनाव में विजय पताका फहराते हुए तीव्र गति से आगे बढ़ ही रहा था कि मैनपुरी पहुंचते पहुंचते रथ के पहिए थम गए और सियासी परिदृश्य बदल गया। सपा के लिए विरासत पर काबिज होने की जंग और बीजेपी के लिए जीत का सिलसिला बनाए रखने के इरादे की कश्मकश में झूल रही मैनपुरी ने वही किया जो मैनपुरी सालों से करती आ रही है। दरअसल ये जंग में एतवार जीत गया जो यहाँ के लोगों का मुलायम सिंह और उनके परिवार पर था। चाचा और भतीजे जीत का संयोग बना सकते हैं, अजय बीजेपी को भी हराया जा सकता है। यूपी में इस माहौल को हवा मिल गई है, सपा के लिए सियासत के नए दरवाजे खुल गए हैं। उपचुनाव ने मुरझाई सी सपा में हौसले की नई ऊर्जा भर दी है। शिवपाल ने ये भी कहा कि नेताजी का जादू कायम है। जो भी यहाँ पर नेताजी के नाम से अब भी नेताजी का जलवा कायम है और रहेगा ऐसे। अधिकारियों ने बहुत दबाव बनाने की कोशिश की लेकिन जनता ने खुल करके वोट दिया। यहाँ पर जो भी मंत्री आते थे, सरकार जितने भी मंत्री आते थे, सीधा अधिकारियों से वोट मांगते थे तो उसको बंद कर दो, उस पर मुकदमा लिख दो, उसका उत्पीड़न कर दो और वोट कम डालना। तब भी जब वोट नहीं डालने दिया तो जनता ने तब भी नेताजी के आदर्शों पर और विकास पर जनता ने। तो वहीं पर पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि मौजूदा सरकार ने जो भी कर पाया वो किया, लेकिन मैनपुरी की जनता ने दिखा दिया कि मैनपुरी समाजवादियों का घर है और लगातार प्रत्याशी डिम्पल यादव के हक में मत बढ़ रहे हैं। और कहा कि जिन शहीदों का पार्थिव शरीर नहीं आ पाता था वो भी आज शहीदों का पार्थिव शरीर घर पहुंचता है, वो सिर्फ नेताजी मुलायम सिंह यादव की देन है। ये तो पार्टी का एक अपना काम करने का एक काम बांटने का तरीका है। पार्टी ने जो जिम्मेदारी डाली थी हमारी जिम्मेदारी थी, और मैं क्या, ये तो मैनपुरी की जनता ने हमारी जिम्मेदारी को सफल कर दिया है। इसके लिए मैं बारम्बार मैं लोगों का, मेरे पास शब्द भी नहीं है, मैं सच कहूँ छोटे पड़ जाएंगे, कृतज्ञता में ज्ञापित करूँ, धन्यवाद करूँ, ये शब्द छोटे हैं। जिस चुनौतीपूर्ण माहौल में मैनपुरी के लोग लड़े हैं कोई मामूली बात नहीं है। हमारे हजारों कार्यकर्ता अपना घर छोड़ के सोना पड़ा, हजारों कार्यकर्ताओं की यहाँ दबिश पड़ी है। प्रशासन केवल एक ही काम पे लगा था कि कैसे कमजोर किया जाए। मैनपुरी के जिलाधिकारी, CDO, कप्तान, सभी तहसीलों के SDM, CO, दरोगा और बाहर तक की फोर्स को लाके उसका उपयोग दुरुपयोग कर रहे थे। बावजूद इसके मैनपुरी के लोगों ने जो दिया है आशीर्वाद आदरणीय डिम्पल जी को, जो दी है श्रद्धांजलि सदे नेताजी को, जो ताकत दी है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश जी को, उसको धन्यवाद मैं कहूंगा, बहुत छोटा शब्द है।